हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं ये कैमरा है, इसको हम लोग 4G थर्ड आई कैमरा बोलते हैं। इसको ज़्यादातर हम लोग हैवी व्हीकल में यूज़ करते हैं, जैसे कि हाईवा, ट्रक, ट्रेलर, स्कूल बसेस में हो गया, JCB, पोकलेन, इसी में ज़्यादातर यूज़ होता है ये वाला। तो इसको आप सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए घर में भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक कन्वर्टर लेना होगा 12 वोल्ट का। तो ये देखिए, ये है RC लीड। इसके बाद चलते हैं, ये कैमरा का स्क्रू, इसके बाद में ये कैमरा का एंटीना आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर ये बैटरी का ही कनेक्शन से कैमरा को मतलब चालू किया जाता है, और एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर और कुछ यूज़र मैनुअल कार्ड जो कैमरा को कैसे इंस्टॉल किया जाए। इसको चलिए लगते साइड में। ये जो RC लीड है, इसी से कैमरा में मतलब पावर सप्लाई होगा। ये जैसे प्लस और माइनस रेड और ब्लैक कलर का वायर होता है, इसको हम लोग बैटरी में कनेक्ट करते हैं और इसको कैमरा में कनेक्ट कर देंगे, तो जी आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का मेन कैमरा। देखिए, यही कैमरा को हम लोग थर्ड आई कैमरा बोलते हैं। इस ये प्योर मेटल बॉडी से बना हुआ, अगर ये ऊपर से इसको कोई गिरा भी दे तो ये टूटेगा नहीं, प्योर मेटल से बना हुआ ये। इस कैमरा का दो वेरिएंट आता है, एक 4G वेरिएंट आता है, एक वाईफाई आता है। 4G वाला में आपको खुद का सिम देना होगा। और ये देखिए, दोनों साइड में जो दिख रहा है, यहाँ कैमरा का एंटीना लग जाएगा। इसका एक और वेरिएंट आ जाता है, उसको बोलते हैं वाईफाई। उसमें भी दोनों सेम रहेगा, बट दोनों तारों का डिफरेंस आ जाएगा आपका, जिसमें आपको 4 तारे दिख रहे हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा वाइट तार एक्स्ट्रा इसमें। तो चलिए वाईफाई वाला भी निकाल लेते हैं। देखिए, दोनों सेम ही है, सिर्फ वायर का डिफरेंसेस है आपको। इसमें टोटल 3 तार मिलेगा आपको। ये देखिए, टोटल 3 तार मिलेगा आपको, लेकिन RC लीड वही मेन में चल जाएगा आपका। और इसमें ये आपका 4G वेरिएंट, जिसमें वाइट तार एक्स्ट्रा मिल रहा है इसमें। बस इतना समझ लीजिए कि कैमरा को ऑन करने के लिए अगर आप 4G वाला लगाते हैं तो आपको खुद का सिम देना होगा, और अगर आप वाईफाई वाला ले रहे हैं तो आपको घर में राउटर वगैरह लगाना होगा। बस यही डिफरेंस है आप दोनों में। तो चलिए, ये रहा हमारा कैमरा, तो इसको इंस्टॉल करते हैं। तो साइड का जो भी नट है उसको खोल लेंगे तो ये इसका स्टैंड बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टैंड को जहाँ पर भी आपको लगाना है वहाँ पर ही एक बार पहले प्रॉपर तरीके से मतलब ड्रिल कर ले। ये दोनों नट को खोलेंगे तो स्टैंड बाहर आ जाएगा आपका। देखिए, साइड का जो दिख रहा है 3-3 नट का, इसको खोलेंगे बाहर आ जाएगा। इसको जहाँ भी आपको सेट करना, सबसे पहले वहाँ मार्किंग करके स्क्रू से टाइट कर ले इसको। तो यहाँ पर एक बार ड्रिल लेके अच्छे से ड्रिल कर देंगे और स्क्रू को यहाँ टाइट मार देंगे ताकि ये अच्छा से हिले नहीं, प्रॉपर तरीके से मारे, ठीक है। ये देखिए, कैमरा के पीछे 4 नट दिख रहा है आपको। ये चारों नटों को खोल लेंगे तो ये कैमरा थोड़ा सा हल्का खींचेंगे तो बाहर आ जाएगा, जिसके अंदर सिम और मेमोरी कार्ड दोनों लगता है। तो चलिए इसको खोलते हैं और सिम और मेमोरी दोनों लगा देते हैं। तो इसमें पहले से मैंने सिम लगाया हुआ है, तो एक बार खोल के आपको दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए, खोलने के बाद ऐसे जैसे खींचेंगे तो इस तरह बाहर आ जाएगा। ये देखिए, इसका ठीक ऑपोजिट साइड का नीचे हिस्सा में ऊपर वाला मेमोरी लगता है, ठीक उसका नीचे में छोटा सा देखिए सिम कार्ड लग जाएगा। यहाँ पर ही यहाँ आपका सिम लग जाएगा। तो इसको चलिए फिट कर देते हैं अच्छे से। तो हमने सिम भी लगा लिया, मेमोरी कार्ड भी लगा के प्रॉपर तरीके से नट कस देते हैं इसको। इसके बाद हम लोग कैमरा को वही स्टैंड में फिर से जहाँ से नट खोले थे अच्छा तरह से साइड का नट टाइट कर देंगे। ये देखिए, उसके बाद हम लोग RC लीड ले लेंगे, जिसमें रेड और ब्लैक तार है। देखिए, कैमरा का टोटल 4 जिस वायर दिख रहा ना, तो ये आपका इस वाले में ये कनेक्ट हो जाएगा RC लीड। करना कुछ नहीं है, बस ब्लैक और रेड वायर को पावर देना है। तो चलिए, जहाँ पर ये RC लीड को कनेक्ट किया तो अच्छा से टेपिंग कर देते हैं उसको, ताकि निकले नहीं वो। इसके बाद हम लोग ब्लैक वाला और रेड वाला वायर एक एक्स्ट्रा तार लेंगे, ठीक है,
और रेड को रेड में कनेक्ट करेंगे और ब्लैक को ब्लैक में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक ऑफिस में कैमरा को हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ से हम लोग को पावर चाहिए तो वो थोड़ा सा नीचे एरिया पड़ जा रहा है। रेड वाले वायर को जैसे कनेक्ट कर देंगे तो उससे अच्छी तरह से टेपिंग कर देंगे। और ये जो कैमरा है ना, तो इसको ज़्यादातर डीसी वोल्ट से ही एक्टिव किया जाता है, मतलब बैटरी का प्लस और माइनस को दे देंगे तो ये कैमरा आपका एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अभी जिसको अब हम कनेक्शन कर रहे हैं, जो ये डायरेक्ट लाइन से हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग एक 12 वोल्ट का कनेक्टर लिए हैं। तो इसको ये कनेक्टर आपका जो है एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट में कनेक्ट करता है। तो ये हम लोग एक्स्ट्रा वायर खिड़की के अंदर जो दिख रहा बोर्ड, वहीं कनेक्शन चल जाएगा। उसके बाद ये रहा हमारा अडैप्टर, यही कपलर आप एक लाइन तरफ में डाल देंगे और इसका प्लस और माइनस रेड को रेड में डाल देंगे और ब्लैक को ब्लैक में डाल देंगे, तो हमारा कैमरा एक्टिव हो जाएगा और इसको अब हम मोबाइल से ही एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आपको हमारा कैमरा परचेस करना है तो आप हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस कैमरे को कनेक्ट करते हैं और हमारा कैमरा लाइव आ जाएगा।